आज हम आपको एक शख्स से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो 2008 से करीब 2008 और 9 से इस डेयरी सेक्टर में काम कर रहे हैं और आज उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जिनके अनुभव मात्र से आप डेयरी सेक्टर में सफल हो सकते हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो काम कर रहे हैं और किस तरीके से वो पशुओं की देखभाल करते हैं। मैं 2008 से कर रहा हूँ ये डेयरी फार्म का काम। 2008 में छोटे लेवल से शुरू किया था हमने, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत मुश्किलें भी आई इसमें, वो सब देखते हुए धीरे धीरे इसका एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपीरियंस लेते लेते तो फिर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। 2008 में जब आपने शुरू किया था तब आपके पास कितनी गाय थी? 2008 में मैंने पहले एक गाय से शुरू किया था, पहले एक गाय लाए थे, फिर दो तीन चार थोड़ा थोड़ा करके ऐसे। आज की डेट में आपके पास कितनी गाय? अभी 85 एनिमल है। 85 है। इनमें से कितनी दुधारू है और कितनी जो है दूध देने वाली नहीं? अभी 40 एनिमल्स जो मिल्किंग में है, तो कुछ ड्राई में है, बाकी हीफर्स हैं, बच्चे हैं। अच्छा, एक चीज़, प्रतिदिन के हिसाब से अगर हम औसत देखें, 40 जो आप मिल्किंग वाली गाय बता रहे हैं, प्रतिदिन के हिसाब से वो कितना दूध देती हैं? प्रतिदिन के हिसाब से अगर माने तो ये दो तीन तरह से देखा जाता है। एक तो जब लैक्टेशन में नया आता है पशु, तो उस टाइम जो यील्ड होती है ज़्यादा होती है, बाद में जाके कम हो जाती है। तो उसको अगर हम नाप के चलें तो पहले की अगर ब्याने के टाइम की अगर यील्ड को मान के चलें, उस टाइम तो 30-33-35 के नियर अबाउट मिल्की यील्ड चलती है पर एनिमल की, बाद में जाके कम हो जाती है। उस हिसाब से सर्कल के हिसाब से चलता है। कौन कौन सी नस्लों की गाय आपके पास हैं, ठीक है, और उनकी देखभाल आप कैसे करते हैं? हमारे पास टोटल HF नस्ल की गायें हैं। देखभाल इनका एक तो प्रॉपर फीडिंग का देखना पड़ता है और चारा इनका। चारा में किस तरीके के चारा आप देते हैं? चारा इनको मेज साइलेज देते हैं, मक्की का चारा, मक्की का चारा बना के उसका साइलेज बना के वो देते हैं इनको हम, पूरा मतलब सारा साल वही चलता है। ये हम देख रहे हैं कि आपने ऊपर से शॉवर लगा रखा है, ये क्यों लगा रखा है और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए या क्या है इसका वो? ये जो शावर है, जो जैसे इनका दूध बनता है गाय का, जो उस ब्लड सर्कुलेशन के हिसाब से बनता है, अगर हम इनको टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो वही सर्कुलेशन है ये अपने शरीर को ठंडा करने के लिए लगाएंगी, प्रोडक्शन पे नहीं लगाएंगी, फिर प्रोडक्शन कम होती है उससे। तो उसको मेंटेन रखने के लिए प्रोडक्शन को इनको टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है जी। तो इन 40 गाय से प्रतिदिन आपको कितने लीटर दूध मिल जाता है और इसको कहाँ पर आप बिक्री करते हैं, इसकी सेल कहाँ करते हैं? मान के चलिए 40 गायें हैं, अभी जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है अभी 850 लीटर के करीब हो रही है। तो इसमें एनिमल प्रेग्नेंट भी हैं, जो प्रेग्नेंट हो गए हैं, कुछ एनिमल ड्राई भी हो गए हैं, तो कुछ अभी लैक्टेशन में नए आए हैं। तो जो दूध दे रहे हैं वो बेरका को देते हैं, टोटली सारा जितना दूध होता है वो बेरका के पास जाता है। बेरका जो सहकारी समिति है उसको आप? जी वहाँ पे कीमत आपको सही मिल जाती? जी हाँ, नियर अबाउट 40-41 रुपीस के नियर अबाउट दूध वहाँ पे लग जाता है। 40-41 रुपीस पर लीटर। रिप्रोडक्शन के बारे में क्या बताएंगे कि कैसे इनका रिप्रोडक्शन आप करते हैं, क्या प्रोसेस अपनाते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए इनको बहुत मेंटेन करके चलना पड़ता है। जैसे हम प्रोडक्शन बोल देते हैं कि हमारे एनिमल प्रोडक्शन इतनी देते हैं, प्रोडक्शन के बाद लेने के बाद जो इनको कमियां आती हैं अंदर दूध निकालने के बाद जो कमियां आती हैं, उनको मेंटेन करके उनको टोटल मिनरल मिक्सचर जो भी और जो भी किसी चीज़ की कमी होती है वो कंटिन्यू दे के उसको मेंटेन करने के बाद ही एनिमल प्रेग्नेंट जो होता है। सीमेन वगैरह कौन सा कैसे ले आते हैं, कहाँ से मार्केट से ले आते हैं, या आपके पास बुल आपने रख रखे हैं उनसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस वो करवाते हैं? सीमेन हम PDFA का भी यूज़ करते हैं, हमारी एसोसिएशन है प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर एसोसिएशन, उसका यूज़ करते हैं और ABS का भी यूज़ करते हैं, और बुल भी है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बुल का भी यूज़ करते हैं। अच्छा, उसमें क्या मानक आप रखते हैं, किस तरीके से आप मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या जो पशुपालक हैं उनको क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए रिप्रोडक्शन के टाइम?
रिप्रोडक्शन के टाइम जो हमें मेन देखना होता है कि हमारा पशु ब्याने के बाद जो है उसके यूट्रस में इन्फेक्शन ना हो, एक तो उसको बहुत ध्यान से क्लियर करना पड़ता है कि हाँ वो क्लियर है, उसके बाद कोई मिनरल डेफिशिएंसी ना हो इनको, और जो सीमन हम यूज़ कर रहे हैं वो किसी अच्छी संस्था से, जैसे हम PDF से लेते हैं या कोई और बढ़िया संस्था है वहीं से लेना चाहिए, लोकल सीमन नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर एनिमल रिपीटर हो जाता है उसके कारण से, क्योंकि कई बार सीमन डेड भी होता है, तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है जी। अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ पे पशु रहते हैं, जो अपने गाय हैं दुधारू गाय हैं, वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे गंदगी बहुत हो जाती है, तो साफ़ सफाई को लेकर क्या आप क्राइटेरिया अपनाते हैं? साफ़ सफाई का सर हमारे तो यहाँ पे स्क्रैपर लगे हुए हैं, ये ऑटोमेटिक जो गोबर है इनको खींच के नाले में ले जाते हैं, नाले से आगे वो जहाँ पे डंप करना होता है अपने आप वहाँ पे ऑटोमेटिक चला जाता है, और बाकी पीछे तो बिल्कुल साफ ही रहता है, और तो इसमें भी प्रॉब्लम आती नहीं, अगर मतलब मैकेनिकली इसको करके चलोगे तो ज़्यादा बढ़िया है उससे। एक ये हम देख रहे हैं कि सारे गाय के गले में आपने कुछ येलो टैग लगा रखा है, ये क्या है? ये बेसिकली इसको काउ स्कोर कहते हैं, ये इनको मॉनिटरिंग करता है 24 आवर्स, जो भी इनकी एक्टिविटी है एक्टिव है अनएक्टिव है जो भी है, वो हमें इसका फ़ोन पे जो वो आता रहता है इसका डाटा रिपोर्ट और डाटा दोनों, कि इससे हमें पता लगता है कौन सा एनिमल रूमिनेशन कितना टाइम कर रहा है, ईटिंग कितना टाइम कर रहा है, और अगर कोई एनिमल कोई बीमार हो तो उसका साइन लग से आ जाता है, पता लग जाता है कि हाँ ये एनिमल बीमार है। कैसे आप फोन पे आप दिखाएंगे इस टाइम कैसे हो रहा है, जैसे किसी एक पशु के हरकत उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहा हो? ये इनका ग्राफ है, बिहेवियर ग्राफ, जैसे ये ऊपर जाएगा तो जैसे ज़्यादा गर्मी होगी या कोई दिक्कत आएगी तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा, अगर पशु आराम में होगा तो ये ग्राफ नीचे आएगा। ये पर डे के हिसाब से देखिए, अब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, अब ट्यूसडे में जो ये ग्राफ नीचे आ रहा है, जैसे अब मौसम अच्छा है या हम मेंटेन कर रहे हैं कूलिंग वगैरह मेंटेन कर रहे हैं उनकी, तो ये ग्राफ नीचे आएगा, अगर उनको गर्मी लग रही है तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा, या कोई चारे में इनके कोई दिक्कत आ गई तब भी ये ग्राफ ऊपर जाएगा। 2008 से शुरू किया था, एक गाय से शुरुआत की थी, आज की डेट में आपके पास 80 के करीब हैं और उसमें 40 से 45 जो है दुधारू पशु हैं, पर डे आप करीब 700 से 800 लीटर जो है दूध यहाँ से इसकी बिक्री करते हैं, इसके अलावा आपने इसके अलावा किस किस तरीके से पशुओं के जरिए आप आमदनी करते हैं, और वो आमदनी अगर हम साल भर के हिसाब से बात करें तो वो कितनी हो जाती है? इसमें दो तरीके से आमदनी होती है, एक तो दूध से, एक जो हम पशु सेल करते हैं उससे। जो तो दूध से आमदनी होती है, मान के चलो अभी हमारा 10 दिन का दूध जो है वो 3.5 लाख रुपए के करीब हो जाता है, तो 10-11.5 लाख के करीब हमारा मंथली जो है दूध हम सेल कर देते हैं। और इसमें दूसरा होता है जो हम एनिमल सेल करते हैं, एनिमल हम वो सेल करेंगे, जैसे हम अभी काविंग होगी उसमें हीफर्स आएंगे हमारे पास, 40 एनिमल है, 40 एनिमल अगर हम वैसे तो मैं सेक्सिमन प्रेफर करता हूँ, मैं सेक्सिमन ही लगाता हूँ एनिमल्स को, अगर 30 भी बच्चियाँ हमारे पास अगली काविंग में आती हैं तो अगर 30 आती हैं तो 30 एनिमल हमको सेल करने पड़ेंगे, क्योंकि हम उतने एनिमल रखते हैं जितना हमारा एरिया है, 30 अगर नए पशु आ जाएंगे काविंग में, 30 दूध में नए पशु आ जाएंगे तो 30 एनिमल हमको सेल करने हैं, उसमें से हम कोई भी कर सकते हैं, चाहे हीफर्स वो जो नई आएंगी वो कर दें या पुराने एनिमल्स में से कर दें, और जो सेल करेंगे उसका रेट जो होगा वो उनकी मिल्क के हिसाब से, उनकी ब्रीड के हिसाब से होगा, वो कुछ भी हो सकता है, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कुछ भी हो सकता है वो, तो सारा कुछ निकाल के अगर हम मान के चलो आप मैं एक लमसम आपको बताता हूँ कि अगर दूध में आपको मानो कि आपको खर्चा चलता है तो जो आप एनिमल सेल करते हो, जितने आप एनिमल सेल कर लोगे वो आपका टोटली आपका सेविंग हो जाती है जी। तो ये थे मनजिंदर जी, जिन्होंने अपने करीब 18 साल के अनुभव डेयरी सेक्टर में, कैसे उन्होंने शुरुआत की, एक गाय से शुरुआत की और आज करीब 80 गाय हैं इनके पास जो है, और पहले कितना उत्पादन होता था आज कितना उत्पादन है, पहले आय का इनके पास बहुत ज़्यादा जरिया नहीं था, आज उसी से जो है बेहतर आमदनी कर रहे हैं।
इन्होंने सही मायने में डेयरी सेक्टर में आपको कैसे मुनाफा हासिल करना है, अपने एक्सपीरियंस के जरिए इन्होंने सब कुछ, ये सीक्रेट राज इन्होंने आपको बता दिया है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।